राहुल गांधी अगर आना चाहें भाजपा में तो उनका भी स्वागत है, सोनिया गांधी आना चाहे भाजपा में तो उनका भी स्वागत है। और जब हमारी विचारधारा से जुड़ के हमारे राष्ट्र प्रेमी बनना चाहते हैं, अपनी गलतियों को एहसास करके हमसे जुड़ना चाहते हैं तो स्वागत है। हार्दिक पटेल गुजरात के हैं, अब उनकी इच्छा कर हुई कि हम राष्ट्र की विचारधारा और राष्ट्रवाद की जो पार्टियां हैं हम उसकी विचारधारा से जुड़ेंगे, तो उसकी विचारधारा से जुड़ेंगे तो स्वागत है उनका। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर इसे सुशासन और गरीब कल्याण का नारा देते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके सरकार की उपलब्धियां गिना रही है। इसी क्रम में प्रतापगढ़ में भी सांसद संगम लाल गुप्ता ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए दावा किया कि सरकार लगातार गरीबों, असहायों और महिलाओं के लिए कार्य कर रही है। सरकार की घर घर नल से जल योजना हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, सभी योजनाओं से निचले पायदान के लोगों को फायदा मिल रहा है। हमारी सरकार माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 8 साल के कार्यकाल पूरे हो गए हैं और हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित समाज के लिए समर्पित है। और जो हमने योजनाएं चलाने का काम किया, क्योंकि 2014 के पहले योजनाएं कागज पे बनती थी, धरातल पे नहीं दिखती थी, मगर 14 के बाद हमारी योजनाएं लोगों को लाभ समाज के अंतिम व्यक्तियों तक पहुंची है और उससे एक जीवन में उनके बदलाव आया है। जो 8.5 साल के कार्यकाल हुए हैं उसमें भ्रष्टाचार मुक्त और जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार चली है और गांव गरीब को समर्पित सरकार है। वहीं गुजरात में कभी भाजपा नेताओं द्वारा हार्दिक पटेल को राजद्रोही घोषित करवाने के मामले में उन पर 2015 में दर्ज मुकदमे पर सफाई देते हुए संगम लाल गुप्ता ने कहा कि यदि कोई नेता सुधर जाए तो उसे एक और मौका मिलना चाहिए। हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनका स्वागत है, उनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं बड़बोले सांसद ने हार्दिक पटेल के साथ राहुल गांधी को भी भाजपा ज्वाइन करने का न्योता दे दिया। हमारा कहने का मतलब, ये तो शीर्ष नेतृत्व है, हार्दिक पटेल गुजरात के हैं, अब उनकी इच्छा कर हुई कि हम राष्ट्र की विचारधारा और राष्ट्रवाद की जो पार्टियां हैं हम उसकी विचारधारा से जुड़ेंगे, तो उसकी विचारधारा से जुड़ेंगे तो स्वागत है उनका। मतलब राहुल गांधी अगर आना चाहें भाजपा में तो उनका भी स्वागत है, सोनिया गांधी आना चाहे भाजपा में तो उनका भी स्वागत है। पार्टी में नहीं तो राष्ट्रद्रोही है, आपकी पार्टी ज्वाइन करता है तो राष्ट्रप्रेमी है। देखिए, अगर उस तरीके से वो काम करेंगे, उस तरीके से काम करेंगे तो उस कृत को राष्ट्रद्रोही है। और जब हमारी विचारधारा से जुड़ के हमारे राष्ट्र प्रेमी बनना चाहते हैं, अपनी गलतियों को एहसास करके हमसे जुड़ना चाहते हैं तो स्वागत है भाई। आपको बता दें कि बीजेपी और बीजेपी के नेताओं को जमकर कोसने वाले और बीजेपी के खिलाफ पाटीदार आंदोलन करके राजनीति की शुरुआत करने वाले हार्दिक पटेल गुरुवार को बीजेपी में ही शामिल हो गए। अहमदाबाद स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर कमलम में उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कमल का दामन थाम लिया। We'll be right back.